द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन 20 जनवरी स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में। रेगिस्तान में पड़ी बर्फ। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा रेगिस्तान में काफी जो रेतीले तूफान आते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग कोई बोले कि रेगिस्तान में बर्फ पड़ गई है तो आप लोगों को सुनने में कैसा लगेगा। ये रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा सहारा जो डेजर्ट है अफ्रीका के अंदर में, जहां पर काफी रेतीले तूफान आते हैं वहां पर अभी बर्फ के नमूने देखने को मिले। तो ये है दोस्तों क्लाइमेट चेंज का एक नया चेहरा। आप लोगों ने देखा अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई, तो वहां पर एक अनप्रेडिक्टेबल वेदर जो देखने को मिलता है, यानी कि एक ऐसा मौसम जो कि किसी ने सोचा भी ना हो, जहां पर बेसिकली सूखा पड़ता है वहां पर बर्फ आ रहा है, जहां पर पानी नहीं है वहां पर बाढ़ आ रही है। तो जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि एक ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को नेचर के ऊपर बेसिकली क्लाइमेट चेंज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंसान जो है उनकी वजह से जो यहां पर आज के में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये ऐसे कई बार इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो अभी न्यूज में बन गया, नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर लेकर चलूं, तंजानिया के अंदर किलिमंजारो नाम से यहां पर आप लोगों को एक माउंटेन देखने को मिलेगी। ये जो है हाईएस्ट पीक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये जो पीक है आप लोग इसको देख सकते हैं, ये बर्फ से ढका हुआ यहां पर पाया जाता है। जैसे आप लोग यहां पर कुछ नहीं व्हाइट व्हाइट आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, पर लेकिन रेतीले एरिया में बर्फ का पड़ना ये रियलिटी में लोगों को चौंकाने वाली चीज है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा यहां पर 2018 में भी देखने को मिला था, उससे पहले भी यहां पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती थी। तो ऐसी कंडीशन यहां पर रेगुलरली अभी देखने को मिलती है। तो लास्ट 40 ईयर में कई बार यहां पर रेगिस्तान के अंदर भी अभी बर्फ जो है वो पड़ा है बेसिकली, खासकर किसके अंदर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। जो कि आप लोगों से अगर पूछे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में तो आप लोगों को बताएं कि ये ऐसा एरिया है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसी के साथ में जो यहां पर इक्वेटर होकर गुजरता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर बर्फ पड़ने लगे तो सोचने वाला मुद्दा बन जाता है। तो उसकी वजह से यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया है। तो ये पिक्चर भी आप लोगों को यहां पर यही दिखाती है। नॉर्मली बेचारे जो ऊंट हैं वो आप लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान में चलने के लिए जाने जाते हैं, पर लेकिन अभी यहां पर बर्फ के ऊपर इनको दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं यहां पर आज का जो डिस्कशन है, ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग न्यूज। आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स के साथ में। जो डिस्कशन होगा वो दो जगह आप लोगों को डिवाइडेड देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बात करेंगे एडिटोरियल के बारे में, डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे न्यूज एनालिसिस के बारे में, यानी कि दो पार्ट में ये डिस्कशन आप लोगों का डिवाइडेड होगा। इसी के साथ में आप लोगों से दो क्वेश्चन दूंगा आंसर राइटिंग के, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। डेली दो क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो आज के ही डिस्कशन से होता है और एक क्वेश्चन आप लोगों का होता है जो पुराने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए यूपीएससी के लेवल की अगर आप लोग एक बार वो तैयारी करोगे ना, तो हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कई सारे बच्चों के आप लोगों को मेंस दिखाए हैं, वो बच्चे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, वो एक भी दिन डिस्कशन नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं रियलिटी में सिलेक्शन लेना, तो आप लोगों को पंक्चुअलिटी तो लानी पड़ेगी। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि उसी टाइम पर उस काम को करना जब आप लोगों ने डिसाइड किया। रेगुलरिटी का मतलब कि चलो कम से कम काम निपटा लेना आज, किसी भी टाइम निपटा लो। तो रेगुलरिटी एटलीस्ट आप लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आनी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो कल के क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर बताऊंगा, और जानेंगे आज के एसएलवी कमांडो कौन है जिनके द्वारा सबसे पहले आंसर दिए गए। इसी के साथ में 5 वोकैबुलरी रहेंगी जो कि आप लोगों की अंग्रेजी इंप्रूव करने का काम करेंगी, आंसर राइटिंग भी आप लोगों की इंप्रूव करती है, खासकर अगर डेली आप लोग इनसे सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, ट्राई करना आप लोग भी एक बार सेंटेंस फॉर्म करने लगोगे तो काफी कुछ यहां पर आप लोगों की लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होने लगेगा। तो काफी कुछ आज का ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वीडियो को टकटकी लगाकर एंड तक देखिएगा अच्छे से। आज के क्या होगा, आज के एडिटोरियल सुन के ना यार आप लोगों का बिल्कुल मजा आ जाएगा। बहुत शानदार एडिटोरियल है, इतना कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है कि आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, रियलिटी में बोल रहा हूं। खासकर अगर बात करें ये वाला एडिटोरियल जो है बहुत ज्यादा शानदार लिखा गया है। इसमें आप लोगों का 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पूरा फोकस मेनली 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में है। तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करने वाला हूं आखिर क्या क्या इश्यूज यहां पर देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, क्यों हमारी सिटी जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। ये वैसे तो ये आर्टिकल है बेसिकली गोवा के इलेक्शन के बारे में, पर लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप लोगों को गोवा लिबरेशन के बारे में बताएगा। वैसे पॉलिटिकल मुद्दा है पर लेकिन बैकग्राउंड में आप लोगों से डिस्कस किया जा सकता है। इसका रीजन ये है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गोवा है वो लिबरेट कब हुआ था, 1961 में, ठीक है। पर लेकिन हम लोग कहां पर फड़े हुए हैं आज के में, हम लोग अभी 2021 पार करके हैं, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर देखो तो आप लोग लगभग अभी रिसेंटली गोवा को लिबरेट हुए पूरे 60 साल कंप्लीट हुए। तो उसी के चलते ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आखिर पुतिन भाई साहब जो है वो क्यों पड़े हुए हैं कि यूएसएसआर को फिर से संगठित किया जाए। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है,
सुनकर मजा आ जाएगा आप लोगों का, इस तरीके से यहां पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल फेक न्यूज के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे कि क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छे से डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को भी। कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में तो देखो पूछी जाएंगी, वो एक अलग बात है, पर लेकिन आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली बजट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है 1 फरवरी को हमारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा, पर लेकिन उसके बाद में इलेक्शन होंगे, तो बात यह कर रहा है कि क्या बजट प्रस्तुत करना इलेक्शन के जस्ट पहले यहां पर वो इंपैक्ट नहीं डालेगा जिन राज्य के अंदर इलेक्शन है। यहां पर एक तरीके से नहीं क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम यहां पर अनाउंस करे कि उन राज्यों को, खासकर जो वोटर्स हैं उनके ऊपर वो उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकता है, तो इसमें बातें की जा रही है। तो ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डाल सकता है जहां पर इलेक्शन है। अभी 5 राज्य के अंदर इलेक्शन है, कौन कौन से राज्य के इलेक्शन है चलिए बताइए जरा आप लोग। गोवा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, गोवा के अंदर, ठीक है। अब आप बाकी कौन कौन से राज्य के अंदर इलेक्शन है ये आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का आप लोगों को पता है वैसे, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है ये बेसिकली इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर ये पॉलिटिक्स है बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप लोग इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा जो जिक्र कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली यूएसए के अंदर अभी ट्रायल किया गया 5G का, तो वो प्रॉपर ट्रायल यहाँ पर देखने को नहीं मिला, खासकर एयरपोर्ट के आसपास में। तो जो एयरपोर्ट के आसपास में वो ट्रायल जो है उसके रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है ज्यादा, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करिए ये वाले जो आर्टिकल मैंने बताए इतने शानदार हैं कि आप लोग सुनकर चक्षु खुल जाएंगे भाई साहब, इतना कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। इसी के साथ में न्यूज एनालिसिस के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगा COVID-19 के लिए, जो यहाँ पर अभी नहीं है ना कि एक तरीके से जो लोग COVID-19 में जिनकी जान गई उनको एक्स ग्रीसिया दिया जाएगा, यानी कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे, तो उसके बारे में जो आर्टिकल है डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और भी कई सारी बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक नया कानून लाया गया था कि 75% रिजर्वेशन जो है वो लोकल लोगों को दिया जाएगा, तो उसके बारे में कुछ हम लोग बातें करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो आज की डेट में हमारा जो कैपिटल वाला रीजन है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनसीआर के बारे में कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, तो उसमें यहाँ पर जो डियर है उसके बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये बेसिकली बारहसिंगा के बारे में तो जानेंगे कुछ बातें। इसी के साथ में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में फिर से बात की गई, कल ही डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। एक छोटा सा आर्टिकल मिस केरला के बारे में है यहाँ पर, ये फिर से, तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ में रिपब्लिक डे पर अभी जो बुलाई गई थी सेंट्रल एशियन कंट्री को वो नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनसे वर्चुअली बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज और कोरोना जो है वो निकल कर आ रहा है, तो उसके चलते यहां पर ये आर्टिकल देखेंगे। इसी के साथ में जनरल बिपिन रावत साहब के जो बेटे जो ब्रदर है उनके द्वारा बीजेपी को ज्वाइन किया गया, तो कल काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी इसके ऊपर मतलब नहीं एक तरीके से उठकर आती है, फिर चलिए जो भी है इग्नोर कर सकते हो आप लोग इस आर्टिकल को। बाकी नए COVID-19 के केस निकल कर आ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। और इसी के साथ में तालिबान जो है वो कह रहा है मुस्लिम देशों को कि भाई साहब तुम तो मान लो कम से कम कि मैं देश हूं, तुम भी नहीं मान रहे हो तो कैसे काम चलेगा, तो जानेंगे इसके बारे में। सुडोकू आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, काफी ज्यादा आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, आप लोगों के माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, कल भी कई सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था तो इसको देखेगा। बाकी यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है, कुछ बातें इसके बारे में आप लोगों से करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ई श्रम पोर्टल के बारे में, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से कई सारी बातें जो है डिस्कस करूंगा। अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या फिर एसे राइटिंग प्रैक्टिस में आप लोग कोटेशन डाल देते हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर मार्क्स जो है वो देखने को मिलते हैं, खासकर एक अच्छा खासा कनेक्शन अगर आप लोग उस टॉपिक के साथ में उस कोटेशन का बैठा पाते हैं। आज की जो कोटेशन है आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर ये है, यू एजुकेट ए मैन बट यू एजुकेट ए वुमेन, यू एजुकेट ए जनरेशन। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है ब्रिंगम जो यंग है, ये एक अमेरिकन रिलीजियस लीडर और एक पॉलिटिशियन भी थे जिनके द्वारा ये बात बोली गई, यानी कि एक आदमी को अगर शिक्षित करते हो तो आप लोग एक आदमी को शिक्षित करते हो, पर लेकिन एक महिला को अगर शिक्षित करते हो तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हो, यानी कि महिला की एजुकेशन के बारे में फोकस देने की बात की गई है। तो अगर कुछ भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उनके एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आता है तो ये कोटेशन आप लोग वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपैक्टफुल आप लोग को देखने को मिलेगी। देखिए कोटेशन ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी आप लोग इंक्लूड कर देंगे, कोटेशन वही आप लोग को इंक्लूड करनी है जो कि वहां पर कोरिलेट करे उसके साथ में, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखेगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, अगर आप लोगों ने जो शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे वो आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आप लोग बड़ी ही आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है वो काफी डिटेल में मैं वहां पे आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात की जा रही है, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस डेट में,
ये यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में बात करूं, पर लेकिन इसके पीछे जो टॉपिक था वो काफी बड़ा था, आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, बहुत सारी बातें बताई थी, तो बस एक छोटा सा वहां पर एक लाइन आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात करें यहाँ पर पेंगोंग सो लेक के बारे में। तो बोला जा रहा है कि इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट यहाँ पर स्वीट वाटर लेक, ठीक है। दूसरा बोला गया 1/3 ऑफ द पेंगोंग सो जो लेक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली इंडिया के अंदर में, और अदर 2/3 जो है वो चाइना के अंदर में है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है कुछ यहां पर नेशनल जो ट्रेजर जिनको बोला गया, अगर बात करें खासकर आर्ट्स के फिल्म में, यानी कि ये वो पर्सनैलिटी है जो कि एक तरीके से आर्ट्स के फिल्म में हम लोगों ने बात की थी ट्रेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने आप लोगों को 9 ट्रेजर के नाम बताए थे, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली अभिनंदन टैगोर के बारे में, अमृत शेर गिल के बारे में, महात्मा गांधी जी और नंदलाल बोस। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, 2 and 3, बी में बोला गया 2, 3 and 4, सी में बोला गया 1, 2 and 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नाम दे दिया है जो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है ए बाई इलेक्शन फॉर फिलिंग एनी वैकेंसी, यानी कि बाई इलेक्शन जो होता है वो किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए होता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 months, यानी कि अगर कोई सीट जो है वो खाली हो जाती है तो 6 months जब से यहां पर वैकेंसी हुई है, ठीक है। तो ये मेंशन जो किया हुआ है ये यहां पर कौन से सेक्शन के अंदर किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो सेक्शन 151A, सेक्शन 151B, सेक्शन 152A, सेक्शन 153A। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी एफ डी क्या है, फिर आप लोगों को इनके आंसर जानने को मिलेंगे। अच्छे से अटेम्प्ट करा करो यार क्वेश्चंस को, क्योंकि काफी डिटेल में इनको बेसिकली डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम इनके आंसर जो है वो काफी अच्छे से आप लोग दोगे। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल के साथ में, ये जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, और काफी अच्छे से यहां पर राइटर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। बेसिकली यहां पर स्टार्ट जो किया गया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग वे में किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोलते हैं स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट 2021-22। ये जो रिपोर्ट है अगर आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको जाकर जरूर देखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप लोगों को ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ये रिपोर्ट्स आप लोगों को पढ़नी चाहिए अगर आप लोग किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर बात करें जैसे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर हो गया, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों की काफी काम आती है। तो बोला ये गया यहां पर कि आज की डेट में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें लिखा गया कि हमारी कंट्री में जो आज की डेट में बात करें जो हमारा एक तरीके से नहीं थर्ड टायर सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, यानी कि जब हमारे देश में संविधान में संशोधन किया गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत बनाई गई, पर लेकिन अभी फिलहाल जो है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। पेंडेमिक के टाइम पर सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को देखने को मिली, उनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से चीजों को टैगल करने में, पर लेकिन उनके पास पैसा नहीं था तो इसलिए उनके द्वारा घुटने टेक दिए गए, यानी कि वो काम नहीं कर पाए। आप लोग समझिए पहले हमारी कंट्री में थर्ड टायर सिस्टम के बारे में, सबसे ऊपर आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, उसके नीचे आप लोग स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आप लोग को एक साइड में देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम और एक साइड में देखने को मिलेगा म्यूनिसिपैलिटी। तो हमारी कंट्री में 1992 में यहां पर जब संविधान में संशोधन किया गया तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था यहां पर, यानी कि 73वां संविधान में संशोधन किया गया, उससे हमारे देश में पंचायत बन गई, यानी कि ओरिजिनली हमारे देश में पंचायत नहीं थी, ये याद रखिएगा कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। इसी के साथ में म्यूनिसिपैलिटी बन गई यहां पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि संविधान में जो है यहां पर जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है 74वां संविधान संशोधन किया तो म्यूनिसिपैलिटी बन गई, यानी कि फर्स्ट टायर गवर्नमेंट, सेकंड टायर गवर्नमेंट और फिर यहां पर थर्ड टायर गवर्नमेंट आ गई, जिससे कि आप लोग यहां पर अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये डिवाइडेड होता है सबसे यहां पर ऊपर जिला परिषद, फिर आप लोगों को ब्लॉक या फिर तालुका आप लोग देखने को मिलते हैं, और नीचे होता है यहां पर विलेज पंचायत जो कि ग्राम सभा या फिर विलेज असेंबली भी आप लोग बोलते हैं। इसी के चलते यहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और यहां पर बेसिकली म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और यहां पर होता है नगर पंचायत जिसको आप लोग वार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है हमारी कंट्री में, और जहां पर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम नहीं होता है, खासकर जो ट्राइबल यानी कि आदिवासी वाला एरिया, वहां पर ऑटोनोमस काउंसिल होती है, यानी कि उनको खुद अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने एरिया को मैनेज कर चल सकते हैं। तो ये पैटर्न आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगा। तो दिक्कत अभी कहां पर निकल कर आ रही है, दिक्कत हम लोग पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है हमारा म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करें तो बड़ी बड़ी सिटीज हैं हमारे देश में, अगर उनके पास में खुद का पैसा नहीं होगा तो कैसे लेकर चला जाएगा।
तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाँ देखिए पॉलिटी, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी पॉलिटी के पार्ट में, जैसे पंचायती राज सिस्टम जो है इतनी शानदार वीडियो थी, वो मैंने डिटेल में पढ़ाई थी और लाखों लोग उसको देख चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है, कौन कौन सी कम्युनिटी है, किस तरीके से हमारे देश में सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, कहां कहां से चीजें निकल कर आई, तो वो पॉलिटी के लेक्चर जरूर जाकर देखेगा। सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाकर पंचायती राज सिस्टम बाय वीर, आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएगी और उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे भी लिंक, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे भी जाकर आप लोग देख लेना, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। जहां पर भी जो डाउट रहा करे उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है अगर रियलिटी में आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अब बात करूंगा यहां पर क्या बोला गया। आरबीआई के द्वारा बोला गया कि देखिए पर्टिकुलर अगर पर्सन को काम करना है तो थोड़ी सी फंक्शनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि वो किस तरीके से काम करे उसको इतना तो थोड़ा सा हक दो ना सोचने के बारे में। आप लोग बिल्कुल नहीं, एक तरीके से रावण की तरह उसके सर पर नाच रहे हो, तो ऐसे कोई भी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो उसको इंपावर करो, कम से कम पैसा उसके पास में होना चाहिए, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, इतना कम से कम आप लोगों को उनको लेकर चलना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला 15th फाइनेंस कमीशन, उसने भी बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन जो था वो वाईबी रेड्डी कीजिए की अध्यक्षता में था। अभी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है वो आप लोग बताइए। देखिए आंसर दिया करो अच्छे से, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, डेली पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और सीखते सीखते ही जिंदगी आगे बढ़ती है। एक दिन में कोई एक तरीके से ऐसा नहीं है कि न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो डेली कुछ ना कुछ आप लोग सीखते रहो और एडिशन करते रहो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्वे है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को लेकर, उसने बोला अभी रिसेंटली जो 70% जो डिक्लाइन हुआ है उनके रेवेन्यू में, यानी कि उनको पैसा जो हासा मिलता था वो भी यहां पर मिलना हो गया। इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन ये प्रोविजन करता है जो कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाना चाहिए, यानी कि टैक्स शेयरिंग हो जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नीचे पैसा नहीं पहुंचाती है, कोशिश करती है कि उसके ऊपर गुलमंडी मारकर बैठ जाए और सारा काम जो है वो अपने हिसाब से करें। इसकी वजह से जो नीचे जो गवर्नमेंट है वो रोती हुई नजर आती है, तो ये काफी बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। अगर इसी के साथ में बात करें, फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 280 आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। अभी हमारे देश में 15 फाइनेंस कमीशन जो बनाए गए थे उनके चेयरमैन आप लोगों को बताने हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में यहां पर यह बोला गया कि कहीं ना कहीं जो एक प्रॉपर्टी टैक्स लगा करता था प्रॉपर वे में, जो म्युनिसिपैलिटी को फायदा पहुंचाया करता था, अब यहां पर वो भी लिमिटेड कवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर। हालांकि जीएसटी ने जो है वो रही सही कमर तोड़ दी यहां पर, स्टेट के साथ साथ में म्युनिसिपैलिटी को तो और भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई। इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये जो है इसके द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया गया, उसमें बोला गया कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन वो काफी लो है इंडिया के अंदर में, अगर वर्ल्ड में आप लोग बात करो। जबकि अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो जहां पर अच्छा होता है जिस सिटीज का, वो सिटी अच्छी मानी जाती है। ये स्लाइड आप लोग रख लीजिएगा अपने पास में, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि जो टैक्स होता है और जो हमारा जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उस टैक्स का, यानी कि कितना पैसा हमारा कलेक्ट हुआ है और उससे हमारे जीडीपी में फायदा हुआ है, तो ये ओनली 16% है। जबकि अगर बात करें ब्राजील में 35% है और यूके में 32% है, तुर्की में 29% है, अमेरिका में 28%, साउथ अफ्रीका में यहां पर 28% है और अमेरिका में यहां पर आप लोगों को 25%, कोरिया में 24%, रशिया में 23% और यहां पर वियतनाम में 22% और चाइना में 19% देखने को मिलेगा। यानी कि इतना अच्छा खासा टैक्स का कलेक्शन यहां पर होता है, पर हमारे देश में तो ब्लैक मनी में जाता है मैक्सिमम चीजें, तो विदेशों में अपना पैसा ले जाकर रखते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास से पैसा पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे हमारी कंट्री में जो खासकर गवर्नमेंट जो है वो घुटनों पर चलती नजर आती है। और फिर यहां पर जब ह्यूमन कैपिटल में खर्च करने की बात आती है, यानी कि हमारी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात आती है, तो दोनों को मिलाकर हम लोग 5% भी खर्च नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो चलती है, तो ये दिक्कत है, तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। जबकि चाइना में 7%, आप लोग देखें यहां पर 13% है, यूके में एजुकेशन हेल्थ इन सब चीजों के ऊपर खर्च किया जाता है, यूएसए में भी 30% के करीब है, तो वहां पर हेल्थ और एजुकेशन अच्छा क्यों नहीं होगा जब इतना ज्यादा खर्च वहां पर किया जाता है और हमारे देश में दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये बातें बोलेगी, तो पैसा होना सिटीज के पास में जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये तो सब आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने जैसे ही पॉलिटी पढ़ी होगी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आई होगी कि हमारी कंट्री में जो सिटीज के लेवल पर इलेक्शन होता है उसको मेयर बोलते हैं, बोलते हैं सिटी का मेयर बन गया। पर लेकिन दिक्कत यह है जब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग कि हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करना है,
तो सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम हेड होते हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी चुने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी चुने हुए हैं, ये तो समझ में आता है। पर लेकिन डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है वो इंसान जाता है, वो चुना हुआ पर्सन नहीं होता है जनता के द्वारा। तो यहां पर मेयर को जो पोस्ट मिलनी चाहिए वो पोस्ट दे रखी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है हमारे देश में जो अब तक चली हुई आ रही है। तो इसको चलते बोला जाता है कि जब डिजास्टर को मैनेज करने वाली बात आए तो जो उनका इलेक्टेड लीडर है ग्राउंड लेवल पर उसको आप लोगों ने जगह नहीं दे रखी है। तो यहां पर ये काफी बड़ा एक तरीके से दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी स्टेट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि डीएम काम करे और डीएम जो रहता है वो यहां पर अंडर कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट के, तो चाहती है कि म्युनिसिपैलिटी के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करे। क्योंकि अगर स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है किसी दूसरी पार्टी की और पता चला जो मेयर है वो किसी दूसरी पार्टी का चुनकर आ गया, तो वो नहीं चाहते इसमें रिस्क लेना, ठीक है, वो उनको लगता है कि ज्यादा रिस्क लेने से इसके खत्म हो जाएगा, तो रिस्क है तो इस्क है, वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये इशू देखने को मिलता है। और आप लोगों को पता ही है जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर कि सातवें शेड्यूल के अंदर में जो अर्बन डेवलपमेंट है वो कहां पर रखा गया है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें सबसे पहले जब बात की गई थी कि यार कुछ लेकर चले हैं, मैंने बोला अभी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी हमारे देश में बनाई गई, और यहां पर जो म्युनिसिपैलिटी है उनको 18 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए जिनके ऊपर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहां पर इसमें से बात करें इलेक्टेड लीडर ने, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और 12वें शेड्यूल में यहां पर ये सारी चीजें रखी गई है। तो जब स्टार्टिंग में 1980s में नेशनल कमीशन ऑन अर्बन ये बनाया गया यहां पर अर्बनाइजेशन, तो यहां पर चार्ल्स कोरे जो थे यहां पर चेयरपर्सन उसके बनाए गए, तो ये चीजें यहां से स्टार्ट हुई। आगे आगे बढ़ी 1990s में जाकर, फिर मैंने आप लोगों को बताया ना यहां पर ये तो बेसिकली 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने से पहले था, पर लेकिन जैसे यहां पर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया तो फिर यहां पर ये बॉडी बन गई म्युनिसिपैलिटी, और म्युनिसिपैलिटी को 18 फंक्शन यहां पर दिए गए। तो 18 फंक्शन जो थे यहां पर ये काफी ज्यादा नेसेसरी थे, पर लेकिन फंक्शन तो इनको दे दिए, पर भाई साहब पैसा कौन देगा, तो यहां पर इसलिए इसको नियो लिबरल बोला गया, नियो लिबरल रिफॉर्म, यानी कि पूरे रिफॉर्म नहीं किए गए, अपने हाथ में पैसा रख लिया, बस उनको काम करने के लिए दे दिया गया। भाई साहब पैसा भी तो दो, काम क्या भीख कर कर मांगेंगे, वो कहां से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत निकल कर आई। कॉम्पिटिटिव सिटीज के बारे में बात करें अगर आज की डेट में, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि उनके पास में एक अच्छी खासी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और लो होने चाहिए फ्लेक्सिबल, ताकि जो वो इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सके। पर हमारे देश में आप लोगों को ये भी अच्छे लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये माना जाता है कि सिटीज जो होती है बड़ी बड़ी सिटीज ने दुनिया में, अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो आप लोग सोचकर एक बार को एक तरीके से चौंक जाओगे। अगर बात करें 2.5 ट्रिलियन की है यहां पर न्यूयॉर्क सिटी अकेली, समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर न्यूयॉर्क सिटी अकेली। शंघाई 1.3 ट्रिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगी, बीजिंग 1.1 ट्रिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन हमारी कंट्री में कोई भी इतनी ताकतवर सिटी नहीं है जो कि इतने लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाले। हालांकि काम कर रहे हैं, अगर बात करें तो हमारी जीडीपी में, अगर बात करें जो आज की डेट में पूछा जाए, तो यहां पर आप लोग देखते हैं जो कैपिटल है हमारी 6.5% हमारी जीडीपी में ग्रोथ देती है, ठीक है, मुंबई 6.6% देती है, बेंगलोर 8.5% देती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी सिटी से निकल कर आता है, तो वो आता है बेंगलुरु से निकलकर, और दूसरे नंबर पर मुंबई और तीसरे नंबर पर है दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर बात करें शंघाई हो गया, ठीक है, इसी के साथ में दूसरी जैसे कि इनके यहां ढाका हो गया इनका, तो अलग अलग बताया गया है किस किस की कैपिटल सिटी जो है वो उसकी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। पर लेकिन अगर वहां पर एक ढंग का माहौल नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। फाइनेंशियल हब मानते हैं हम लोग सिटीज को, अगर ढंग से वो काम करे तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। सबसे अच्छा मॉडल जो यहां पर रिसेंटली अभी बताया गया वो है केरला का। केरला है साउथ इंडिया में राज्य जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु को बॉर्डर टच करता है। वहां पर काफी अच्छे डेमोक्रेटिक वे में पैसा जो है वो लोकल बॉडी को दिया जाता है लगभग 40% बजट का, पर लेकिन और सिटीज में आप लोग को ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहां पर आप लोगों को डेवलपमेंट भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, लोकल एरिया पर सारे काम अच्छे हो जाते हैं, तो इसके ऊपर काम करने की बात यहां पर बोली गई है। फंक्शनल ऑटोनॉमी आप लोगों को देनी पड़ेगी। फंक्शनल ऑटोनॉमी में लिखने के लिए अगर आ जाए तो 3F इनके द्वारा बोले गए। वो 3F क्या है यहां पर, एक तो बोला गया फंक्शन करने का काम करो, उनको फाइनेंस दो और उनको फंक्शनरीज बेसिकली उनको एक तरीके से बनाइए आप लोग, ताकि सिटी जो है वो अपने आप काम करें। यानी कि एक तरीके से फंक्शन, फाइनेंस और फंक्शनरीज, यानी कि ऑटोनॉमी भी आप लोग को उनको देनी है। तो अगर ये काम सिटीज करेंगी तो वो अपने पैरों पर चल सकेंगी, वरना उन्हें बच्चे हैं जो गुडुल्यू चलते हैं, वरना सारी सिटी गुडुल्यू चलती ही नजर आएंगी, और अगर सिटी गुडुल्यू चलेंगी तो वो कभी भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगी। तो ये याद रखना है 5000 के करीब हमारी कंट्री में एक तरीके से स्टैट्यूटरी और सेंसस टाउन है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली भी, सर प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन बन चुका है स्टैट्यूटरी और सेंसस टाउन क्या होते हैं, तो याद रखेगा।
सेंसस जनगणना हमारी कंट्री में की गई थी 2011 में। तो यहां पर सेंसस जो टाउन है यहां पर ये आज के में लगभग 4041 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये 2011 के सेंसस के बेस पर बोल रहा हूं। तो ऑल प्लेसेस विद द म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन कंटोनमेंट जो कि नोटिफाइड किए जाते हैं टाउन एरिया कमेटी के द्वारा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग स्टैट्यूटरी टाउन बोलते हैं। पर लेकिन सेंसस टाउन क्या बोलते हैं उसके लिए यहां पर कुछ कंडीशन रखे गए हैं, जैसे कि मिनिमम जो पॉपुलेशन है 5000 होनी चाहिए, एटलीस्ट 75% जो यहां पर मेल वर्किंग पॉपुलेशन के होने चाहिए यहां पर, ठीक है। हालांकि मुझे लगा है मेल क्यों बोला गया यहां पर लेकिन आप लोगों को पता है कि ज्यादातर लोग ही बाहर काम करने जाते हैं, ठीक है, सुनने में गलत है पर लेकिन क्या करें ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो होनी चाहिए जो डेस्ट जो यहाँ पर एक तरीके से जो उसके यहाँ पर डेस्ट जो यहाँ पर डेंसिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन की वो यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर ऐसा लंबा एरिया में यहाँ पर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में लगभग 400 लोग रहते हो, अगर ये फुलफिल कर पाता है यहाँ पर तो उसको बोलते हैं सेंसस टाउन। और ऐसे लगभग हमारी कंट्री में अगर बात करें 3894 के करीब सेंसस टाउन है। तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बताऊं तो सेंसस टाउन और ये बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा एक अलग से टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर ये कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है, इसलिए जो मैं एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की, ये आंसर राइटिंग में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी जब मैं आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगा, तो इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो सेंसस टाउन के बारे में आप लोगों से बात कर ली, लगभग मोटे मोटे तौर पर 5000 इसलिए बोला गया क्योंकि मैंने जो डेटा आप लोगों को बताया वो 2011 का सेंसस है, अभी 2021 का सेंसस होएगा तो कई सारे टाउन्स जो है यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनके ऊपर फोकस देना जरूरी है। 35% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन सेंटर में आप लोगों को देखने को मिलेगी आज के में हमारे देश में, तो अगर वहां पर ढंग से हम लोग ढांचागत विकास नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा। जीडीपी के बारे में अगर बात करते हैं आप लोग तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जीडीपी जो सिटी है वो अगर रेवेन्यू प्रोवाइड करे तो बोला 90% गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है वो अर्बन सेंटर से निकल कर आता है। मैंने बोला ना अभी सिटी से कितना सारा पैसा निकल कर आ रहा है आप लोगों को बताया मैंने, देखिए ट्रिलियन में आता है, हमारी खुद की कंट्री की जो जीडीपी है ना वो लगभग 3 ट्रिलियन की अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेगी, और यहाँ पर न्यूयॉर्क अकेली यहाँ पर 2.5 ट्रिलियन लिए बैठी है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी ताकतवर सिटीज है यहाँ पर जब इन सिटीज के बारे में बात करें। अभी हमारी कंट्री में जो गुड्स और सर्विस टैक्स लेकर आया गया, अच्छा ये बताइए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब गुड्स और सर्विस टैक्स लेकर आया गया, फिर जब कल आंसर बताऊंगा तो ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अच्छे से इनको अटेम्प्ट करते रहिए ताकि कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो यहाँ पर बोला गया गुड्स और सर्विस टैक्स ने तो यहाँ पर स्टेट की हालत खराब कर दी, सिटी को तो आप लोग दूर ही छोड़ दीजिए, स्टेट रो रहे यहाँ पर घुटनों पर आ गए जब यहाँ पर अभी कोविड-19 के टाइम पे, और स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है यहाँ पर ये वो शानदार तरीके से काम करती है, और आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई भी इंडेक्स उठा लो तो स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क टॉप पर देखने को मिलेगा। वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को नजर आएगी, जो टैक्स है ना वो काफी अच्छे लेवल पर कलेक्ट किया जाता है और वो मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि इनकम टैक्स जैसी चीजें, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स रहता है, यानी कि अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। जबकि जीएसटी कैसा है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ज्यादातर अगर जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से कंपेयर में, तो दिक्कतें ये देखने को मिलती है फिर वहां से कि जनता के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा शांत सिटी जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाल्टिक कंट्री आप लोगों को जैसे इस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में याद है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, बाकी मैंने डिटेल में बता दिया मैप में, कई बार इनसे बातें पूछ ली जाती है। तो ये वो कंट्री है जो खुश रहने वाली कंट्री है क्योंकि इनकी जो म्युनिसिपैलिटी है वो काफी अच्छे से काम करती है। हमारी कंट्री में अगर बात करें आज के में ट्रुथ ये है कि इनकम टैक्स जो भी यहाँ पर जाता है, ठीक है, जो सिटीज से आता है ये मिलना चाहिए सिटीज को उसका कुछ एक और एक पोर्शन, पर लेकिन सारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है। जबकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो अलायंस, यानी कि जो आज के में इसको मोटे मोटे तौर पर कांग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे बीजेपी को आप लोग क्या बोलते हो, एनडीए बोलते हो, ठीक है, एनडीए की फुल फॉर्म बताइए चलिए, ठीक है, और यहाँ पर यूपीए बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर एक गठबंधन हो गया बेसिकली, तो गठबंधन की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब यूपीए गठबंधन था उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कि 10% जो इनकम टैक्स का कलेक्शन जो सिटी से होता है वो सिटी को ही दे देना चाहिए ताकि उसको इंप्रूव करने में काम आए। तो ऐसा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा ऐसा कुछ यहाँ पर सोचा गया था, पर सोचिए खुद जो सोच रहे थे ऐसा वो खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो आने वाला कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो ये ठंडे बस्ते में चलेगी। तो अगर 10% इनकम टैक्स मिल जाता तो बहुत फायदा यहाँ पर देखने को मिलता। तो राइटर जो है बोल रहे हैं कि फिर भी यार अगर आप लोग को सुधारना चाहते हैं ना तो आप लोगों के पास में मौका है। यहाँ पर सबसे पहले 5 पॉइंट इनके द्वारा बताए गए, तो कंक्लूजन में आप लोग एक अच्छा आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। पहला बोला गया सिटी जो है उनको ट्रीट करना चाहिए एक तरीके से सेंटर ऑफ द गवर्नेंस के तौर पर, अगर बात करें तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जैसे केरला में पैसा दिया जाता है लोकल एरिया पर ऐसे ही आप लोगों को भी देना चाहिए, ठीक है।
सिटीज को बस ऐसा नहीं कि आप लोग एंटरप्रेन्योर हब बनाकर रखेंगे उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, वहां पर ऐसा भी कुछ आप लोग करिए कि ताकि वहां पर एक तरीके से एक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, प्लांट वे में काम हो सके, ऐसा नहीं कि बस वहां से इन्वेस्टमेंट लाओ और पैसा कमाओ और अपना सेंट्रल स्टेट मजा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा यहां पर बोला गया कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं आज के में, तो कैसे अडॉप्ट करना है, तो उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। कल को जैसे पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन बनती है उसको कैसे टैकल करना है तो वो आप लोगों को बोलना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी तो आप लोग लेकर चल रहे हैं पर लेकिन इक्का दुक्का एक यहां स्मार्ट सिटी बना दी, एक वहां स्मार्ट सिटी बना दी, तो ये टुकड़ों में सिटीज जो बांट रहे हैं ना आप लोग, ये ढंग से इंप्लीमेंट भी नहीं हुई और आप लोगों ने देखा वो प्रोजेक्ट ढंग से काम भी नहीं कर पाया, तो इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें जो है वो ढंग से होती नजर आएगी। यानी कि प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में काम को लेकर चलना, ऐसे नहीं कि एक सिटी यहां बना दी एक सिटी वहां बना दी स्मार्ट सिटी, ऐसे ऐसे थोड़ी ना बनेगी चीजें, तो इसके बारे में भी यहां पर इनके द्वारा बातें बोली गई। यानी कि मुद्दा यहां पर यह है कि आप लोग चीजों को सिस्टमेटिक वे में लेकर नहीं चल रहे हो जो कि आप लोगों को चलना चाहिए था। फिफ्थ यहां पर बोला गया कि एक तरीके से लीडरशिप होनी चाहिए सिटीज के अंदर, तो इलेक्टेड जो पावर है जैसे मेयर है उसको 5 साल के लिए प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए और उसको पावर दो तब सॉल्यूशन होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो यार, जब भी आप लोग एक पर्टिकुलर वीडियो देखते हो तो उसमें बताया करो कैसा आप लोगों को लेक्चर लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कल काफी अच्छा सपोर्ट आप लोगों का देखने को मिला, 40,000 के करीब लोगों ने देखा और लगभग 10,000 के करीब लोगों ने सपोर्ट दिखाया, ठीक है, तो इससे रहता है कि हाँ लेक्चर जो है वो सही चल रहा है, ठीक है। और अपना आंसर जरूर दिया करो जो भी आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं बेसिकली, तो डेली आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं सारे डेली यहाँ पर 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, कल भी आप लोगों ने देखा होगा, इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया जाता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। आज फिर एक आर्टिकल दूंगा, काफी बेहतरीन वाला आर्टिकल होगा जो कि आप लोग पढ़ पाएंगे, खासकर जिससे कि आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल भी बढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो ये है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बेसिकली एक टाइम पर हुआ करता था यूएसएसआर, ठीक है, तो इसको सोवियत संघ भी आप लोग बोला करते थे, तो जो यूएसएसआर हुआ करता था इसको यहां पर इसका विघटन किया गया 1991 में, तो जब 1991 में इसका विघटन किया गया तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री यहां पर निकल कर आई यूएसएसआर से, ठीक है। तो यूएसएसआर से यहां पर जब छोटी छोटी कंट्री निकल कर आई तो आज की डेट में उनको इकट्ठा करने की बात की जा रही है। अब यूएसएसआर की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगी, चलिए लिखिए एक बार नीचे, फिर अभी इस आर्टिकल के अंदर ही आप लोगों को बता दूंगा, देखता हूं किस किस को पता है, ठीक है। यहां पर बात करें अगर तो टोटल मिलाकर ऐसे हैं कि 15 ऐसे देश हैं जो कि यहां पर यूएसएसआर से निकल कर आए, इसमें अर्मेनिया अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, इसी के साथ में लिथुआनिया, इसी के साथ में मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इसके ऊपर आर्टिकल घूमेगा, और उज्बेकिस्तान, ये वो एरिया है जो एक टाइम पर रशिया यानी कि यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, पर लेकिन यूएसएसआर का जहाज डूब गया तो उसके चलते ये जो है अलग अलग हो गए यहां पर, और जहाज डूबने के पीछे रीजन भी था। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड जो हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहां पर जो रशिया के जो लीडर हुआ करते थे पुराने टाइम पे, जब भी कोई लड़ाई लड़ा करते थे भाई साहब अय्यासे में आ जाते थे, पूरा उन्हें कहते कि अय्यास बन जाना, पूरा किसी की लड़ाई में जाकर कूद जाना, उन्हें भाई तू मेरा भाई है, कहीं लड़ाई हो रही है तू टेंशन मत ले, सारे पैसे लगा दूंगा मैं, तू जीतना चाहिए पर, मतलब ऐसी हरकतें इनके द्वारा की गई है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर। रशिया के ऊपर जब 2 अटैक किए गए 1812 में नेपोलियन के द्वारा और इसी के साथ में यहां पर 1941 में यहां पर नाजी के द्वारा, तो उसमें रशिया जीत तो गया पर लेकिन उसने इतना सारा पैसा इतना सारा मटेरियल बहा दिया कि रशिया जो है वो एक बुरी कंडीशन में आ गया। देखिए कोई भी अगर अमीर इंसान होगा ना वो थाम पाएगा दूसरी कंट्रीज को अपने हाथों में कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ में पावर है पैसा है। अगर किसी के हाथ में पावर और पैसा नहीं होगा ना, अगर घर का चौधरी भी है ना अगर वो ढंग से जॉब नहीं करता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा घर का कोई भी पर्सन जो है उसकी बातें नहीं मानेगा, पर लेकिन घर का चौधरी अच्छा कमाने वाला है अगर तो सारे लोग जो है उसके हिसाब से काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल पावर जो है वो होनी काफी जरूरी है। अगर आप लोग खुद देख लो, अगर खुद आप लोग जॉब नहीं करोगे ना तो घर में आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से ज्यादा घर में क्या मतलब आप लोग घर में तो फिर भी चलो इज्जत मिल जाती है अपना घर है उसमें एक अलग बात है, बाहर तो कोई आप लोगों को इज्जत देने वाला ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। पर घर में भी ये रहेगा कि यार एक तरीके से देखो सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है माँ बाप की कि पढ़ाया है तो कम से कम बच्चा जो है वो एक जॉब करे, पर लेकिन जब अगर बार बार नाकामयाबी लगती रहती है हाथ तो फिर कहीं ना कहीं चलो घर माँ बाप तो आप लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे, आगे चलकर आप लोग खुद के बच्चे जो हैं वो आप लोगों को क्या बोलेंगे कि हाँ खुद तो कुछ कहने मुझे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर फाइनेंस जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, एक जॉब जो सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है। और यहां पर जब फाइनेंस बिगड़ना स्टार्ट हो गया रशिया का तो वहां पर फिर खस्ता हालत होनी स्टार्ट होगी, तो जो कंट्री इसके साथ में जुड़ी हुई थी वो सारी यहां से छोड़ छोड़कर जाने लगी। तो जैसे ये छोड़ छोड़कर जाने लगी तो एक अलग ही माहौल यहां पर क्रिएट होने लगा। तो माहौल क्या क्रिएट होने लगा, ये तो छोड़कर यहां से निकलने लगी, पर जब यहां पर कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के साथ में, किसका, ये बेसिकली यूएसए का, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर क्योंकि ग्राउंड पे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे पर एक दूसरे में वो नहीं है पैज में लगे हुए, उसने ये कर दिया, उसने मिसाइल बनाई तो इन्होंने मिसाइल बना ली, उसने सैटेलाइट बनाई इन्होंने सैटेलाइट बना ली, उसने किसी को कंट्रोल किया देश को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको बोलते थे जो यूएसएसआर है, ठीक है।
तो उसमें से जो 15 कंट्री निकली, वो 15 कंट्री निकलने के बाद में यहां पर वो नेटो का पार्ट बनना स्टार्ट होगी। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहां पर, जिसमें आप लोगों को ये वेस्टर्न वर्ल्ड देखने को मिलेगा, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री नेटो का पार्ट बन गई तो कल को चलकर अगर किसी ने भी उसको कुछ बोल दिया तो फिर यहां पर सारी कंट्री को बोल दिया। मैंने डायलॉग आप लोगों को बता रखा है नेटो का नाम याद है कि अगर यहां पर देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो बिल्कुल वही फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने नेटो की एक कंट्री को भी हाथ लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी नेटो की कंट्री को हाथ लगा दिया। और ये मैंने आप लोगों को बताया एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथानिया, पोलैंड, ये सारी जो आसपास वाली कंट्री थी ये आज की डेट में नेटो का पार्ट बन चुकी है। अभी यहां पर मुद्दा आ रहा है कि क्या हम लोग यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाएंगे? तो व्लादिमीर पुतिन जो है, ये नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको लेकर बड़े ही चिंतित है यहां पर, और वो इसीलिए एक एग्रेशन में आ गए। वो चाहते हैं कि नेटो का आगे पार्ट नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1999 में पहली बार यहां पर चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक बेसिकली बोलते हैं आप लोग, हंगरी, पोलैंड, ये नेटो का पार्ट बन गए। आगे चलकर यहां पर बाल्टिक कंट्री एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथानिया, ये आगे चलकर नेटो का पार्ट बन गए। इसी के चलते यहां पर आगे चलकर अभी ये यहां पर ऐसा हो गया कि जो रशिया की जो सबसे काफी पॉपुलस जो सिटी है उसके पास में नेटो के मेंबर आकर बैठ गए। तो ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से नेटो बढ़ता रहा तो कल को ये रशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगेंगे, तो इसलिए रशिया जो है वो सदमे में आ गया। 2008 में यहां पर यूएसए के द्वारा प्रोमिस किया गया जॉर्जिया और यूक्रेन को भी कि आपको भी नेटो का मेंबर बना लेंगे। तो जब से 2008 के बाद में यहां पर ये दिक्कत निकल के आई तो रशिया ने क्या किया, 2014 में यूक्रेन को ही जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको हथिया लिया, क्योंकि उनको लग रहा था यार ये ऐसे तो जीने नहीं देंगे। तो इसलिए यहां पर जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन था वो यहां पर किसने हथिया लिया, वो रशिया ने हथिया लिया। क्यों? क्योंकि रशिया का इकलौता ऐसा पोर्ट जो कि यहां पर बर्फ में जमा हुआ नहीं रहता है वो है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी के थ्रू होता हुआ रशिया जो है वो व्यापार करता है, और यहां से वो फिर आके हुए यहां पर मेडिटेरेनियन सी से आते हुए वो दुनिया के साथ में अपने रिलेशन बना पाता है। यानी कि रशिया के लिए जो ब्लैक सी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम सारे पोर्ट उसके जमे रहते हैं। तो यहां से इधर जाना है या फिर यहां से इधर जाना है, यानी कि अटलांटिक ओशन में जाना है या फिर उसके यहां पर इंडियन ओशन के अंदर में आना है मेडिटेरेनियन ओशन से होता हुआ, तो ये रशिया के लिए रशिया की लाइफलाइन हो गया। तो कल को चलकर अगर ये भी रशिया के हाथ से चला जाता तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए रशिया ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। और इसीलिए यहां पर बात करते हैं कि रशिया फिर से यूक्रेन को भी अपना पार्ट बनाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो सिचुएशन है वो अच्छे लेवल पर रहे, और उसको पता भी यहां पर कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए भी यहां पर उसने कुछ ऐसे स्टेप उठाने स्टार्ट कर दिए। तो ब्लैक सी में यहां पर उसने जो रशिया है उसने अपना कंट्रोल कर ही लिया यहां पर, ताकि वो काम अच्छे से करता रहे। पर लेकिन जो यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि यूएसए हो गया या यूरोपियन यूनियन होगी, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि यूक्रेन का ये रीजन इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये रशिया के लिए तो एक तरीके से जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होगी। खासकर अभी बात करें जैसे जैसे यहां पर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एरिया में, आप लोगों ने अभी देखा अर्मेनिया के अंदर, अजरबैजान के अंदर, बेलारूस के अंदर, जो कि इनके खासकर लंगोटिया यार है जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये तो इसका लंगोटिया यार है। तो यहां तो ये चाहता भी है कि कहीं ना कहीं एक बात है कि यूरोप के अंदर एक अकेला ऐसा लीडर है जो कि आज की डेट में डिक्टेटर है, वरना डेमोक्रेसी आ चुकी है सब जगह, और किसकी वजह से, ओनली पुतिन की वजह से। तो इसलिए यहां पर कंडीशन ये रहती है कि ये चाहते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं पुतिन साहब कि आते आते टाइम यहां पर फिर से वो एक ग्रेट रशिया बन जाए, जो 15 पार्ट अलग अलग निकले थे वो फिर से यहां पर जुड़ जाए। इनका बेसिकली ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट और वेल्थीएस्ट अभी कंट्री है, वहां पर अभी आप लोगों ने देखा रशिया ने, जैसे नेटो है रशिया की, आप लोगों को सीएसटीओ देखने को मिलेगी, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फोर्स अभी यहां पर इनके द्वारा कजाकिस्तान में भेजी गई, और भी कई सारी कंट्री में ऐसी फोर्स उतारी गई। तो रशिया ये समझ चुका है कि ऑलरेडी जो यूएसए है वो मुंकी खा चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही यूएसए छोड़ के गया तो सबको समझ में आ गया यूएसए जो है अब वो यूएसए नहीं रहा है, तो इसकी वजह से सबके जो है हाथ खुलने स्टार्ट हो गए। तालिबान इन अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है, इसीलिए तालिबान के साथ में यहां पर जो रशिया है वो अच्छे रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से समझ सकते हैं वहां पर वो फेल हो गया, तो नेटो फेल हो गया एक तरीके से। तो यूक्रेन को अगर कल को नेटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया के लिए चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि वो फिर क्रीमिया रशिया से छीनने की कोशिश करेगा, जो कि रशिया के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर सकता है अगर रशिया कुछ करेगा, वो भाई साहब बस क्या कर सकता है, वो कर सकता है बस सैंक्शन लगा सकते हैं, और रशिया तो पुतिन तो ऑलरेडी बोल चुका है लगा लो, जितने सैंक्शन लगाने में पहले चाइना के साथ में जाकर मिल चुका हूं, वैसे मेरी आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो रशिया जो है चाइना के इतने ज्यादा मिल चुका है, कई बार तो चाइना का जूनियर पार्टनर रशिया को बोलने लगे हैं, तो इसलिए यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि चाइना का अल्टरनेटिव जो है, जो कि रशिया के पास में अल्टरनेटिव चाइना आ गया, इतनी पॉपुलेशन है तो अपना इकोनॉमिक व्यापार लेकर चलता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड यहां पर अगर रियलिटी में
चीजों को यहां पर करना चाहते हैं तो वो जस्ट डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो रीस्टेब्लिश करेगा डिटरेंस, तो पुतिन जो है वो उनका एग्रेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा अगर वो डिटरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, तो पुतिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पुतिन को भी पता है ये नेटो का मेंबर बनाते जा रहे हैं तो कल को दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो दोनों इसलिए आप लोग यहां पर इस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे यहां पर, ये तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कोई भी कंफ्यूजन यार इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर किया जाएगा, बताएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, एक है आर्टिकल यहां पर फेक न्यूज के बारे में, और देखिए पहले वाला आर्टिकल जो था वो आप लोगों का बेसिकली पेपर सेकंड के अंदर आप लोगों का इंपोर्टेंट हो जाता है, म्युनिसिपैलिटी के बारे में वो सारी बातें मैंने बताई, ठीक है, पेपर सेकंड के अंदर, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से पेपर थर्ड के अंदर भी आप लोग ले सकते हैं, ये वाला इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को हो जाएगा, कल को कुछ लिखने के लिए आता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर फेक न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर आता है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी न्यूज जो है वो तैरती हुई नजर आती है, तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेक न्यूज जो है वो कितनी खतरनाक हो सकती है अगर हम लोग बात करें इसके बारे में। तो यहां पर फेक न्यूज खतरनाक क्यों हो सकती है, आप लोगों ने सुना था जब यहां पर हम लोगों ने 500,000 के नोट बंद किए, बहुत सारी फेक न्यूज मार्केट में आई, COVID-19 की दवाई को लेकर दुनिया भर की फेक न्यूज आई, तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो डालती है यहां पर नजर आती है। तो फेक न्यूज को हमेशा रोकना चाहिए यहां पर, और इसके तरीके भी हैं कई सारे। मान लीजिए आप लोगों के पास में आती है फेक न्यूज, तो पहले देखो कि ये कंसीडर कहां से निकल के आ रहा है, ठीक है, चेक करो कि उसका ऑथेंटिक जो ऑथर कौन है, अगर सही है तो तभी उसको आगे फॉरवर्ड करो। मैक्सिमम ये वायरल होती है, जैसे मैं बोलता हूं ना आप लोगों, एजुकेशन में वीडियो आप लोगों को बहुत कम वायरल होती हुई नजर आएंगी, पर लेकिन फेक न्यूज जो हो गई, गाने हो गए, चुटकुले हो गए, फनी चीजें हो गई, वो वायरल होती है, तो लोग जो है उसको एंटरटेन करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके डोपामाइन रिलीज होते हैं। पर लेकिन यहां पर पढ़ना पड़ता है, जब कुछ सीखना पड़ता है, लोग सीखने के मूड में नहीं है, लोग एजुकेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट पर फोकस करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, तो इसलिए यहां पर ये इशू निकल कर आते हैं। तो यहां पर आप लोग को चेक करना चाहिए प्रॉपर, अगर कोई भी यहां पर जोक है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो यहां पर पूछना चाहिए उसको शेयर करने से पहले कि क्या सही है यहां पर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं कि फेसबुक पर भी कई सारी चीजें वायरल होती हैं, ठीक है, ये होता क्या है, यहाँ पर फेक न्यूज मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि किसी न किसी रिलीजन पर किसी न किसी तरह कटाक्ष कसती हुई नजर आती है, तो इनमें बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। और फेक न्यूज जो है वो डेमोक्रेसी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को डालती हुई नजर आती है। कहीं आप लोग कुछ बेच रहे हैं, वहां पर कुछ नेगेटिव बोल दिया किसी ने, टाटा की जो नैनो है ना, इतनी शानदार गाड़ी थी, वो एक निकाली गई एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिसके पास में पैसा नहीं है उनको एक सेफ ड्राइव दे सके, 1,00,000 की गाड़ी लाएगी, उसके बारे में इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी गई, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी गई कि लोग जो है शरमाते हैं नैनो को खरीदने में, इमेज के साथ में कनेक्ट कर दिया उसके साथ में, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। किसी एक गाड़ी में आग लग गई तो यहां पर पूरा उसके बारे में बता दिया कि ऐसे हो रहा है ऐसे, अरे दुनिया भर की गाड़ी में आग लगती है, नैनो में ही आग लगी थी क्या, पर लेकिन नैनो को लगा था, यहां पर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी को लगा तुम्हारी मोटरसाइकिल नहीं बिकेगी, और कार बनाने वाली कंपनी को लगा तुम्हारी कार नहीं बिकेगी, क्योंकि एक बीच का मिक्सचर आ गया 1,00,000 रुपए में, लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं 70,000-80,000 रुपए में और गाड़ी खरीदते हैं 3-4 के बीच में, तो इसने एक बीच का सोल्यूशन निकाल दिया था टाटा ने, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था वो, तो इसलिए कई सारी ऐसी चीजें थी सोसाइटी पर बहुत ह्यूज इंपैक्ट डालती हैं, तो ये ऐसी चीजें जिनके बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए और हम लोग को अवेयर रहना चाहिए, वरना ये चीजें जो है वो खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है, चाहे वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से हो, चाहे वो अभी आप लोगों ने देखा हो जैसे COVID-19 के टाइम पर, या फिर 500,000 के नोट बंद हुए इसके टाइम पर, तो इनको वेरीफाई करना चाहिए और इसको लगाम इसके ऊपर लगानी चाहिए, वरना कई जगह फेक न्यूज जो है ये खासकर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। हमारी कंट्री में हालांकि एथिकल रूल भी लेकर आए गए उनके लेकर चलते, तो उनको प्रॉपर ढंग से एनकरेज करना चाहिए प्लेटफॉर्म को भी कि वो ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट करें, ताकि सोसाइटी में ऐसा माहौल देखने को न मिले, ठीक है। तो ये जरूरी है एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वरना जो सिक्योरिटी है वो इंपैक्ट डालता है यहां पर नजर आएगा, तो उसको प्रॉपर वे में लेकर चलना चाहिए खासकर, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक टॉपिक आप लोगों का बच गया था, ये था यमन के बारे में और हुतई कम्युनिटी के बारे में, तो लगे हाथों इसको भी यहां पर कवर कर लेते हैं, ताकि सारी जो चीजें हैं आप लोग की वो कवर रहे। काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। पहले तो लोकेशन कहां है यमन की, तो अपनी कंट्री यहां पर है, अपनी कंट्री कंपेयर में देखेगा यमन कहां पर है, तो यहां पर आप लोगों को यमन देखने को मिलेगा। यमन को कौन कौन सा देश टच करता है, ऊपर आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा और नीचे आप लोगों को ओमन देखने को मिलेगा, एक साइड में सऊदी अरेबिया और एक साइड में ओमन हो गया, पर लेकिन एक साइड में आप लोगों को यहां पर पानी भी यमन के नजर आएगा। तो पानी जब आप लोग देखेंगे तो एक साइड में यहां पर आप लोग देखिए, इधर रेड सी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इधर आप लोगों को गल्फ ऑफ एदन देखने को मिलेगा। तो यमन जो है यहां पर, ये इसकी कैपिटल है सना, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि यहां पर अभी आर्टिकल में न्यूज यूज होगी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्कोट्रा आइलैंड, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा, क्योंकि ये भी यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में है, और ये हो गया अरेबियन सी वाला रीजन। तो ऊपर हो गया सऊदी अरेबिया, ये बार बार न्यूज में आएगा, और ये है ओमन इधर, और बाकी का ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए।
एक और लोकेशन बताता हूं जिसके बारे में जिक्र होगा बेसिकली इसके अंदर में, वो है बैब अल महंदेव। ठीक है, तो बैब अल महंदेव क्या है यहां पर, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसा स्टेट है जो कि यहां पर जो रेड सी को यहां पर किसके साथ में, गल्फ ऑफ एडन के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप लोगों को देखने को मिलता है ईरान वाली साइड में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर बात करें यहां पर काफी सारा व्यापार यहां से होता हुआ जाता है, खासकर जब आप लोग बात करेंगे ऊपर आप लोगों को स्वेज कैनाल देखने को मिलेगी, ये जो यहां पर रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो स्वेज कैनाल तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैनाल है, इवन आप लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी हिस्ट्री उठाकर, या फिर इकोनॉमी की भी एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है, जिसकी कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने आप लोग कवर कराई थी इकोनॉमी की 11th की, 12th की बची हुई है उसको जब भी टाइम मिलेगा आगे कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो इकोनॉमी की 11th की कंप्लीट करा चुका हूं, उसके अंदर चैप्टर के अंदर यहां पर बकायदा इसको मेंशन किया गया स्वेज कैनाल को। तो स्वेज कैनाल से अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो ये मत बोलना क्वेश्चन क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखी है। तो स्वेज कैनाल जब यहां पर खोली गई तो काफी ज्यादा हमारी कंट्री में अंग्रेजों का व्यापार बढ़ गया, क्योंकि पहले जो अंग्रेज घूम कर आया करते थे वो उनका घूमने का रास्ता जो था वो बेसिकली कम हो गया। यानी कि पहले अंग्रेज जो थे वो हमारे देश में अगर व्यापार करने आते थे तो यहां से होते हुए वो यहां से होते हुए ऐसे आया करते थे बेसिकली अफ्रीका से होते हुए, पर लेकिन जैसे यहां पर ये खुल गई तो फिर यहां पर ये यहां से होते हुए मेडिटेरेनियन से होते हुए और यहां से इस तरीके से अपने देश के अंदर आने लगे, तो रास्ता जो था वो काफी आसान यहां पर पड़ गया। तो इसलिए यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो मैंने मैप के बारे में बता दिया, अब मुद्दा समझ लेते हैं आखिर चल क्या रहा है यहां पर। मुद्दा जो आप लोगों को समझने के लिए यहां पर ये एक ऐसी स्लाइड है जो कि पूरी टाइमलाइन यहां पर बताती है, जिसको आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात की जा रही है 2011 की, जो यमन वॉर अभी चल रही है इसकी कहीं ना कहीं तो जड़ है, और वो जड़ है 2011 में। 2011 में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग हुई। अरब स्प्रिंग का मतलब लोग जो थे वो यहां पर जो भी राजा रजवाड़े थे उनकी जो बेसिकली रूल करने के तरीके थे उससे त्राहिमाम आकर लोगों ने बेसिकली यहां पर क्या किया, दंगे फसाद करने स्टार्ट किए। इवन यहां पर टूनिशिया के अंदर तो ऐसी इंसिडेंट देखने को मिला कि एक इंसान ने अपने आप को आग लगा ली। तो उसने जैसे ही आग लगाई तो एक तरीके से वो आग इतनी बड़ी दहक गई कि पूरा जो अरब वर्ल्ड है यहां पर वो बेसिकली उस आग में दहक गया, और पूरे अरब वर्ल्ड में यहां पर यानी कि जो भी ये कंट्री है सारी, खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, और खासकर ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर जो कि यमन वगैरह वाला रीजन हो गया, तो यहां पर अगर बात करेंगे तो सब जगह दिक्कतें देखने को मिली। यानी कि ऐसा हुआ कि सबको पता था कि यहां पर जो राजा रूल कर रहे हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं कि बेसिकली जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जनता जो है वो त्राही माम में है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, जिसके बाद में ये लगा कि अब चेंज करना है यार, इस जनता के साथ में हम, मतलब इस राजा रजवाड़ों के साथ में हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली एक यहां पर जो लीडर थे उनका नाम था सलेह, तो उनके द्वारा स्टेप डाउन किया गया और हदी यहां पर प्रेसिडेंट बन गए यमन के। तो फिर भी यहां पर चीजें जो है वो पैटर्न में नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लीडर बन के आता है, और वो भी उस टाइम पर जब ऑलरेडी देश के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है, तो वहां पर फिर तालिबान वाला काम होता है। तालिबान बेसिकली क्या था, अभी अफगानिस्तान के अंदर में एक साइड में गवर्नमेंट चल रही थी पर गवर्नमेंट को मान ही नहीं रहा था, और वहां पर तालिबान जो है पैरेलल में अपनी गवर्नमेंट चला रहा था। ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं यहां पर हुतई कम्युनिटी, तो हुतई कम्युनिटी यहां पर कुछ ऐसा करना चाहता है, पर लेकिन दिक्कत यहीं पर निकल कर आ जाती है। जो हुतई कम्युनिटी है वो जो है वो चाहती है यहां पर अपनी पावर जो है उसको कैप्चर कर ले, और यमन की जो कैपिटल है बेसिकली उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए, और पावर जो है वो हुतई कम्युनिटी के कंट्रोल में रहे, और जो लीडर है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। रीजन क्या था, रीजन यहां पर ये था कि जब इंसान प्रोटेस्ट करे और एक तरीके से गवर्नमेंट झुक जाए तो फिर प्रोटेस्ट करने वाले को लगने लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर हैं। पर ये जो हुतई कम्युनिटी है ये यहां पर अगर इसके यमन के अंदर आ जाती है तो फिर मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है किसको, सऊदी अरेबिया को, और यहां पर बेसिकली यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इनको क्यों मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो हुतई कम्युनिटी है ये हुतई कम्युनिटी सपोर्ट पाती है ईरान से। यानी कि ईरान अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो यहां पर ईरान है, तो ईरान की और सऊदी अरेबिया की बनती नहीं है, क्योंकि यहां पर ईरान जो है वो सिया कंट्री है और सऊदी अरेबिया जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो कल को चलकर अगर ईरान की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट यहां पर यमन के अंदर बन जाती है, या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि पावर इतनी रखता है कि यहां पर कंट्रोल कर ले यमन के अंदर में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का कितना बड़ा बॉर्डर टच करता है यहां पर। तो सऊदी अरेबिया को सदमा लगने लगेगा कि कल को अगर ईरान चाहेगा अपनी हुतई कम्युनिटी को बोलकर हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरनल बेसिकली स्टेबिलिटी को हनन कर सकता है। तो इसके चलते यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो सऊदी अरेबिया है वो चाहते हैं कि यहां पर यमन को अपने कंट्रोल में रखा जाए, इसीलिए जो यहां पर लीडर हुआ करते थे यहां पर वो हमेशा इनके तोते हुआ करते थे, इनके हिसाब से यहां पर काम किया करते थे। तो ये कंडीशन जब तक आराम से चल रही थी तब तक चलती रही, पर जैसे ही हुतई कम्युनिटी ने यहां पर अपने हाथ में पावर लेना स्टार्ट की तो यहां पर सऊदी अरेबिया को लगा कि अब गड़बड़ होने वाली है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या कि यहां पर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इतने सारे अटैक किए, यानी कि इतने सारे का मतलब इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर यहां पर बम्बार्डमेंट की, आप लोग एक बार को सुनकर हैरान हो जाओगे
कि यहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा 25,000 के करीब स्ट्राइक की गई है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई और हुतई कम्युनिटी भी चुप रहने वाला नहीं था। यहां पर हुतई कम्युनिटी के द्वारा भी लगभग 4,000 के करीब यहां पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए, तो बहुत सारे लोगों की इसके बीच में जान भी गई। ये जो लड़ाई थी ये काफी लंबे समय तक चलती रही इसी पैटर्न में। तो आगे चलकर यहां पर क्या हुआ, बेसिकली जो सऊदी अरेबिया ये हरकतें कर रहा था और बोला था कि वो हुतई कम्युनिटी को अपने कंट्रोल में ले लेगा और सारी चीजें अपने हिसाब से चला लेगा, वो लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ चलता रहेगा और लग ऐसा रहा था कि ये वॉर जो है वो इसी तरीके से काफी लंबी यहां पर खींचने वाली है। और जैसे जैसे ये वॉर खींच रही थी वैसे वैसे वहां पर लोगों की जान जा रही थी। लोगों की जान क्यों जा रही थी आप लोग खुद समझ सकते हैं, यहां पर अगर कुछ ऐसी चीजें होती रहे तो वहां पर किस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलेगी। ये माना गया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में जहां पर ये बम्बार्डमेंट दोनों हुतई कम्युनिटी और सऊदी अरेबिया की जो फोर्स थी उनके बीच में चल रहे थे, 3.5 लाख के करीब जो लोग यहां पर, 3.5 लाख के करीब जो लोग यहां पर अगर बात करें वो यहां पर मर गए बम्बार्डमेंट की वजह से नहीं। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग ये जानने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग क्या हैरान करने वाली है कि वो जो लोग हैं यहां पर वो खाने की वजह से उनको फूड नहीं मिला, वो लोग जो हैं यहां पर पानी की वजह से उनको क्लीन पानी नहीं मिला पीने का, वो लोग जो है उनको हेल्थ की सर्विस नहीं मिली, तो उसकी वजह से लगभग 3.5 लाख के करीब लोगों की जान चली गई। आप लोग समझ रहे हैं जिस देश में आप लोग रह रहे हैं आज के डेट में, भाई साहब बहुत ही शांति प्रिय एक एरिया में आप लोग रहते हैं जहां पर आप लोग जरा सी देर में अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं किसी को उठाकर। सोचो यहां पर भूख की वजह से यहां पर लोगों की जान चली गई, ठीक है, तो काफी बड़ी यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो ये एक काफी दर्दनाक घटना थी जो कि यहां पर अरब स्क्रीन से चलकर यहां पर ये इस मुकाम पर आकर पहुंच गई और यहां पर इनके ऊपर किसी के द्वारा फोकस भी नहीं दिया गया। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि यहां पर सऊदी अरेबिया जो है वो यहां पर बस इसी एक मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और यहां पर यूएई नहीं, अकेला मुद्दा नहीं है, यहां पर एक डोमिनेशन भी चाहते हैं वो यहां पर बेसिकली रेड सी वाले एरिया में। यहां पर ये चाहते हैं कल को अगर यहां पर हुतई कम्युनिटी आ जाती है तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेड सी का जो काफी बड़ा एक रीजन है जहां से व्यापार होता है काफी लार्ज स्केल पर, लगभग 10% या फिर इससे ज्यादा के करीब आप लोगों को व्यापार देखने को मिलेगा इसी पर्टिकुलर रीजन से यहां से होता है। तो अगर कल को यहां पर हुतई कम्युनिटी आकर बैठ जाती है तो ईरान का कंट्रोल यहां पर आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, सऊदी अरेबिया और यूएई यहां पर ये बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी के साथ में जो स्कोटर आइलैंड है ये यहां पर चाहते हैं इसके ऊपर भी कंट्रोल अपना किया जाए ताकि यहां पर चीजें अपने हिसाब से चलती रहे। ये इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर चाहते हैं अपनी जो बेसिकली पाइपलाइन वगैरह भी यहां पर बिछाना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जो काफी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार, ये है मारीब रीजन। मारीब रीजन है यहां पर, ये काफी ज्यादा एक रिसोर्स युक्त रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कई सारे यहां पर जो खनिज लवण आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि सना कैपिटल से थोड़ा सा साइड में आप लोगों को नजर आएगा। तो ये रीजन पर अगर कल को बेसिकली यहां पर जो हुतई कम्युनिटी अगर कंट्रोल कर लेती है तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर में जब तालिबान आया तो उसने अफीम की खेती पर अपना कब्जा कर लिया, तो फिर उससे क्या हुआ कम से कम उसको कुछ तो पैसा वहां से मिलने लगा अफीम का व्यापार करके। तो कल को चलकर अगर ये रीजन जो है हुतई कम्युनिटी अपने प्रॉपर कंट्रोल में रखती है और यहां पर इसके पास में पैसा आने लगेगा यहां से रिसोर्सेज निकालकर बेचकर, तो सऊदी अरेबिया ये कतई नहीं चाहता है कि यहां पर ये चीजें जो है वो इस तरीके से आगे बढ़े। और हुतई कम्युनिटी जो है वो भी अपना यहां पर उनका भी इंटरेस्ट ये है, सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि पूरे जो यमन को अपने कंट्रोल में रखा जाए, नॉर्थ यमन हो चाहे ईस्ट वेस्ट साउथ यमन पूरा, और इसी के साथ में जो स्कोटर आइलैंड है उसको भी चाहते हैं ये अपने कंट्रोल में रहे। तो सऊदी अरेबिया का जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा और हुतई कम्युनिटी का इंटरेस्ट आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। बेसिकली अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश यहां पर की जाती है दोनों कम्युनिटी के द्वारा, इस तरीके से यहां पर ये मुद्दे निकल कर आते हैं। तो ये तब से अभी यहां पर लंबे समय से बम्बार्डमेंट चल रही थी, तो उसी का अभी ये मुद्दा जो आप लोगों को देखने को मिला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो यहां पर अभी एक ड्रोन अटैक किया गया और उसमें 2 इंडियन की भी जान गई, तो यहां पर ये हुतई कम्युनिटी के द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई कि हमने ये अटैक किया था, क्योंकि यहां पर काफी लंबे समय से ये वॉर जो है वो चली हुई आ रही थी जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो आगे आने वाले टाइम में ये भी एक काफी बड़ा एक युद्ध रिकर रीजन यहां पर आप लोगों को बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं यहां पर, जो कि काफी बुरी एक कंडीशन यहां पर क्रिएट कर रहा है जब इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी ये पूरा मुद्दा है जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया, तो इसके चलते काफी सारे लोग जो है भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, काफी सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई क्या चाहते हैं यहां पर, यमन के अंदर कौन पार चाहता है, ईरान को लेकर यहां पर क्यों टेंशन में, तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर करा दिया। पॉइंट के साथ में जो मैंने मैप्स आप लोगों को दिखाया यहां पर, जैसे यहां पर ये मारीब रीजन हो गया, ठीक है, यहां पर इसकी कैपिटल होगी, यहां पर ये सना, ये इधर रेड सी हो गया, ये एरिया आप लोग जरूर याद रखेगा, ये स्कोटर आइलैंड हो गया, यहां पर जिबूती आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। यहां पर कौन कौन किसको कनेक्ट करते हैं, यहां पर बब अल महदेव यहां पर क्यों न्यूज में, अगर यहां पर कंट्रोल हो जाता है तो काफी सारा व्यापार अपने हिसाब से यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें भी आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, आगे जब भी टाइम मिलेगा उसको भी कवर कर लेंगे, ओके।
न्यूजीलैंड वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं, तो COVID-19 में जिनकी जान गई थी उनको बोला था 50,000 रुपए दिए जाएंगे, तो ये यहां पर बोला गया था 50,000 रुपए कहां से निकल कर आएंगे, तो ये काफी इंपोर्टेंट जो चीज थी यहां पर कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे एस्ट ग्रीशिया के तौर पर यहां पर, और ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के द्वारा यहां पर दिए जाएंगे, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये वॉलंटरी है, किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा। तो स्टेट डिजास्टर जो रेस्पॉन्स फंड है जिसको SDRF बोलते हैं आप लोग, ये बोला गया था कि हमारी कंट्री में 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात की 2005 में, तब यहां पर ये चीजें निकल कर आई और बोला गया यहां पर इनको पावर देनी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कैग आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर इसको एनालाइज करेगा और वो बताएगा इसको कैसे लेकर चलना है। तो कंट्रीब्यूशन जो दिया गया ग्रांट इन एड के तरीके से दिया गया, और ग्रांट इन एड आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि आर्टिकल कौन से में है, आर्टिकल 275 आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके तहत यहां पर ग्रांट इन एड दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें 75% जो पैसा है वो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी और यहां पर उनको दिया जाएगा। बेसिकली यहां पर स्टेट डिजास्टर के फंड के तहत यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। और 90% यहां पर स्पेशल स्टेट को यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा, बाकी का कुछ बचा हुआ वो अपने आप से लगाएंगे यहां पर। तो यहां पर बात करें तो डिजास्टर के तहत यहां पर जब बात आती है, कोई डिजास्टर क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। तो 10% तो इमीडिएटली वो यहां पर इसमें से यूज कर सकते हैं ताकि कोई अकस्मात जो दुर्घटना घट गई, तो ये बातें देखने को मिलेगी। तो 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहां पर ये प्रोविजन किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखते हैं। और फाइनेंस कमीशन की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी यहां पर। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन जरूर याद रखा करो, ये केसी नगोई थे यहां पर 1952 से लेकर 1957 तक। और अभी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आप लोगों ने देखा भी होगा, देखिए अगर ये सारे डेटा आप लोगों के पास में रहते हैं तो आंसर राइटिंग में आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है। तो 1951 में फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, तो आप लोगों का फाइनेंस कमीशन वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 280 आर्टिकल है यहां पर फाइनेंस कमीशन के बारे में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन जो है अभी यहां पर जो कि एनके सिंह जी की अध्यक्षता में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनके द्वारा कई सारे रिकमेंडेशन यहां पर दी गई। इसी के चलते यहां पर आप लोगों को याद रखना है 14 फाइनेंस कमीशन ने, इसके ऊपर तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना यूपीएससी के जब आंसर डिस्कस किए थे, तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहां पर, तो ये पूरा एक आर्टिकल बन गया, इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया पूरा कि यहां पर किस तरीके से राज्य के पास से पैसा जाता है वो सारी चीजें। तो 14 फाइनेंस कमीशन जो कि डीवाई रेड्डी साहब की अध्यक्षता में, तो यहां पर 42% पैसा दिया जा रहा था, हालांकि आगे चलकर थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो ये है जिसके बारे में याद रखेगा, ठीक है। बाकी हरियाणा के अंदर बोला गया जब से यहां पर 75% रिजर्वेशन की बात की है, तो यहां पर जॉब जो है वो हिट हुई है, क्योंकि कंपनी जो है वहां से निकल निकल कर जा रही है, वो यहां पर काम नहीं कर रही है। तो मैंने बोला था ना, एक याद रखिएगा आर्टिकल जो है आर्टिकल 16, वो यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के इस आर्टिकल का भी हनन होता है जब पार्ट थर्ड के अंदर आप लोग जाते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो आर्टिकल 16 इसी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखिएगा। बाकी यहां पर RP2041 प्लान के बारे में बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि यहां पर ये इंपैक्ट डालने वाला है, खासकर ये जो अरावली वाला रीजन है तो उसके ऊपर भी ये इंपैक्ट डालेगा। तो इसके बारे में अगर बात करें, काफी इंपोर्टेंट डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, जिसको यहां पर बोला गया रीजनल प्लान 2041, इनके 2041 तक का दिल्ली को प्रॉपर में डेवलप करने की बात की जा रही है। और जब NCR वाले रीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के आसपास वाला रीजन जो है NCR रीजन माना जाता है। 24 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर इसकी जो बाउंड्री है उसको डिटेल में प्रॉपर वे में करने की बात की जा रही है। 100 किलोमीटर का एरिया इसके पास में लेने की बात की जा रही है, जिसमें से जैसे मुजफ्फरनगर हो गया और इसी के साथ में एक आधा रीजन और है पानीपत हरियाणा का, वो बाहर निकलेगा। तो ये अभी यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में तो बोला कि इन्वायरमेंट पर नुकसान डालेगा अगर ये डेवलपमेंट लेकर चलते हो, ठीक है। तो यहां पर ये GS पेपर 2 के लिए इंपोर्टेंट आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर अभी बात की जा रही है स्वयं डियर के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली यहां पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। बात करें यहां पर बारहसिंगा बोलते हैं, ये एक तरीके से जो है हिरन है उनकी सब स्पीसीज आप लोग जैसे देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है। स्वैंप डियर नेपाल के अंदर भी यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर सेंट्रल और यहां पर जो नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे, इनके बारे में ये कुछ बातें आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। इसी के साथ में बात करें यहां पर कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये मैंने बताया काजीरंगा हो गया जैसे, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और आयुषियन के अंदर इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, कल ही मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। केरला के अंदर प्रोजेक्ट है यहां पर जिसको अभी यहां पर डेवलपमेंट के लिए यहां पर बेसिकली यूज किया जा रहा है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। एक फिश है यहां पर जिसको मिस केरला बोला गया कि नॉट इंडेंजर्ड, तो ये बोला गया यहां पर, तो मिस केरला, तो यहां पर बात की जा रही है कि इंक्लूड किया जा रहा है अमेंडमेंट जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल बोलते हैं तो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आता है, तो वहां पर इसको प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो मिस केरला आप लोग याद रखते हैं, वैसे यहां पर इसको बोलते हैं वैसे डेनिसन बार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर बोला जा रहा है कि कोई भी डिग्नेटरी नहीं आएगा रिपब्लिक डे परेड पर। अच्छा, ये कौन से नंबर का रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन बताता है।
आगे बात करते क्योंकि उनके साथ में ऑनलाइन बात की जाएगी और कोविड-19 के चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। बिपिन रावत साहब के भाई जो है उनको इंक्लूड किया जा रहा है बीजेपी में, तो ये न्यूज है। आप नए केसेस 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए अपना ध्यान रखिए वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएगी और इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी तालिबान चाह रहा है कि मुस्लिम कंट्री कम से कम उसको अपने अंदर ले ले और यहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करे, तो ये इशू देखने को मिल रहा है। तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा या नहीं तो जानेंगे, एडिटोरियल में आएगा, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इंडिया के अंदर बात करें यहां पर तो ऑयल प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। 85% अपना ऑयल जो है हम लोग भारत से खरीद कर लेकर आते हैं और लगभग 55% गैस, तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होता है तो अच्छी बात होती है, पर लेकिन अभी डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो ये कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर ई श्रम के बारे में याद रखिएगा, बोला जा रहा है स्पेशल कैंप रजिस्टर के लिए लगाया जा रहा है ई श्रम पोर्टल के लिए। तो ई श्रम पोर्टल जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था ताकि जो माइग्रेंट वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको प्रॉपर वे में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसके लिए यहां पर ये पोर्टल लेकर आया गया था। बोला गया था 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहां पर जो वर्कर है उनको यहां पर इनके अंदर लाया जाएगा और 2 लाख रुपए अगर डेथ हो जाती है, 1 लाख रुपए अगर पार्शियली डिसेबल होते हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी और ई श्रम कार्ड दिया जाएगा 12 डिजिट का। तो एक छोटी सी स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर, ये कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए, काफी अच्छा मुझे लगा। इसी तरीके से अगर पार्टिसिपेट करते रहोगे तो नहीं आ पार लग जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना था, बहुत सारे बच्चों के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिए गए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्लासिफाई किया जाता है 4 कैटेगरी इनकम में कंट्रीज को, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्लासिफाइड किया जाता है ये ग्रोस नेशनल इनकम के तौर पर क्लासिफाइड किया जाता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है GNI पर कैपिटा, जो यहां पर प्रीवियस ईयर में जो भी रहा उसके बेस पर यहां पर ये डिसाइड किया जाता है, यानी कि पहले साल में जो भी यहां पर कैपिटा, जो बेसिकली ग्रोस नेशनल इनकम रहा पर कैपिटा, ठीक है। अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को अपर मिडिल इनकम कंट्री में क्लासिफाइड करता है, तो सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर कि हमारी कंट्री कौन सी कैटेगरी में, तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत है। आंसर क्या है यहां पर? आंसर है इसका ए सही। देख लेते हैं, हमारी कंट्री को यहां पर बेसिकली लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में यहां पर रखा गया है और वर्ल्ड बैंक जो है यहां पर ये क्लासिफिकेशन करता है यहां पर लोअर कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज, और ये जो ग्रोस नेशनल इनकम है तो उसके बेस पर यहां पर ये डिसाइड करता है। और ग्रोस नेशनल इनकम क्या होती है? ये एक तरीके से टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न की जाती है एक देश के द्वारा, जो एक देश के लोगों के द्वारा या बिजनेसेस के द्वारा, तो उसको यहां पर बेसिकली यहां पर GNI आप लोग बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में, तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये तो मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था यहां पर, आप लोगों को याद होगा। तो आंसर है इसका डी, यानी कि नीति आयोग, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से काफी अच्छे से डिस्कस किया था, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कौन सा राज्य जो है वो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पर बना था 1953 में, तो ये राज्य था यहां पर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो मैंने ये टॉपिक आप लोग काफी अच्छे से डिस्कस कराया था कि JVP यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इसी के साथ में पट्टाभी सीतारमैया, एक कमेटी बनाई गई थी 1948 में। तो यहां पर बोला गया था कि लैंग्वेज के बेस पर कोई राज्य नहीं बनाएंगे, इस कमेटी ने भी ये बोला। आगे चलकर फिर यहां पर कमेटी बनी, यानी कि एक तरीके से कई सारी कमेटी बनाएगी, फैज अली कमेटी जो थी, ठीक है, अपॉइंटेड की गई इसको देखने के लिए क्या यहां पर लेकर चलना है। पर लेकिन कंडीशन ये बनी कि सबने ये बोला कि यार लैंग्वेज के बेस पर राज्य नहीं बनाना चाहिए, पर लेकिन जो कंडीशन बनी थी उसको ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज के बेस पर यहां पर राज्य बनाना पड़ गया और पहला राज्य जो बना था लैंग्वेज के बेस पर वो था आंध्र प्रदेश। तो मद्रास से अलग कर जो तेलुगु स्पीकिंग लोग होते हैं उसके चलते पहला राज्य यहां पर बनाया गया 1953 में, ठीक है, तो ये याद रखेगा। और इसके बाद में फिर यहां पर बोला गया कैसे कैसे चीजों को लेकर आगे चलना है, तो फिर फैज अली कमेटी बनाएगी, तो हमारी कंट्री में 16 स्टेट और 3 सेंट्रल एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की गई। तो ये सारी बातें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी आप लोगों से, तो आंसर यहां पर बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, घड़ियाल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो पॉपुलेशन ऑफ द घड़ियाल बोला गया था कि एक अच्छा इंडिकेटर है कि यहां पर पानी जो है वो साफ सुथरा है। दूसरा बोला गया यहां पर IUCN के अंदर यहां पर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और प्राइमरी हैबिटेट जो है घड़ियाल का वो है चंबल रिवर। तो आंसर क्या सही है? तो आंसर यहां पर सी रिवर आप लोगों को देखो, सी आंसर देखने को मिलेगा, 1 और 3 यहां पर सही है। कैसे समझ लेते हैं यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है। अगर बात करें यहां पर घड़ियाल के बारे में तो आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर चंबल रिवर जो है हमारी कंट्री में, खासकर यमुना, तो ये आप लोगों को इसका एक नेचुरल हैबिटेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट ये हो गया, बाकी और भी कई जगह आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल जाता है, जहां पानी साफ सुथरा होगा वहीं पर ये घड़ियाल पाए जाते हैं। ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं, पानी साफ है, बिल्कुल नीचे की तलहटी दिख रही है
और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि IUCN ने कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, ना कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट को गलत बनाकर चलेगी। तो ये मैंने आप लोगों से डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आज के जो हमारे SLV कमांडर हैं यहाँ पर, इनका नाम है डोली गांधी। काफी अच्छे से इनके द्वारा यहाँ पर आंसर दिए गए जो कि सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दो लॉ होते हैं जिसके हिसाब से काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओमन और अर्मेनिया दो ऐसी कंट्री हमारी कंट्री की अभी लिस्ट में ऐड हो गई जहां पर हम लोग वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं, और टोटल 60 देश ऐसे हैं यहाँ पर। ये तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, बताइए जरिया। ये तो आप लोगों को पता ही है। बाकी बात करें तो मैंने ग्लोबल जो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के बारे में बात की थी, तो कई सारी रिपोर्ट आप लोगों से मैंने डिस्कस की थी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, इसी के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसके साथ में मिलकर ये प्रस्तुत की जाती है, इसी के साथ में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये सारी जो रिपोर्ट है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में मिलकर बेसिकली प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से पूछी थी वो थी यहाँ पर क्या कि प्रॉपर्टी को हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट से कवर आया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 यानी कि 1978 के अंदर में यह संविधान में संशोधन किया गया था 44वां, उसके चलते आर्टिकल 31 से हटाकर इसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया था। ये याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों को इसको स्मॉल नहीं लिखना है, हमेशा आप लोगों को इसको कैपिटल लिखना है। रीजन क्या है, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट करके ऐड किया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, स्मॉल का मतलब है कि ओरिजिनली वो संविधान में था, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा करो जब भी किसी अमेंडमेंट के बारे में आप लोग बात करते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नए शब्द जो कि आप लोगों की डिक्शनरी में ऐड किए जाने हैं, इनके बारे में बेसिकली आप लोग सेंटेंस फॉर्म जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग डेली इनके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोगों की इंग्लिश जो है वो आप लोगों को इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। बात की जा रही है काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि उल्टा, एक तरीके से यहाँ पर जो भी बोला गया उसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है, यानी कि जो चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट में जाना, तो उसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्टिविटी के जस्ट अपोजिट में, ठीक है। प्रिवेल्स का मतलब होता है प्रचलित, यानी कि कुछ भी ऐसी चीजें जो प्रचलित हैं, सुपीरियर हैं, यानी कि जो सुपीरियर होती हैं वही प्रचलित रहती हैं। अंग्रेजी के पीछे लोग इतना क्यों भागते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड पे रूल किया है, तो हम लोग को लगता है यार अंग्रेजी लैंग्वेज अच्छी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ ये कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है आज के डेट में, तो इसको मजबूरी बन गई है कि हाँ यार ये भी हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको सीखना है, डरना नहीं है, एक लैंग्वेज ही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थ्राइविंग का मतलब है संपन्न, प्रोस्पेरस यानी कि एक तरीके से ग्रोइंग, तो ये आप लोग याद रखते हैं। कमांडेबल सराहनीय, यानी कि आप लोग जब भी इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हो तो लगता है कि काफी कमांडेबल जॉब आप लोगों ने की है। पूरा लेक्चर एंड तक देखना और चीजों को अंडरस्टैंड करना, तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। पेस का मतलब होता है गति, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चीजों को उस तरीके से लेकर चलना, एक सही डायरेक्शन में पर्टिकुलर रेट एक स्पीड के साथ में पेस बनाकर चलना, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। बैट्रियल का मतलब होता है एक तरीके से विश्वासघात करना, ठीक है, धोखा देना एक तरीके से, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छे से कई सारे बच्चे जो है सेंटेंस फॉर्म करते हैं, इनके ऊपर अच्छा लगता है, आप लोगों को भी इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म इनके ऊपर करना है, ओके। और कोशिश किया करो कि गलती हो चाहे सही हो, अगर गलत हो गए तो क्या हो गया, एक दूसरे से सीख लेंगे ना, उसी से तो आगे बढ़ना है सीख सीख का, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। और फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो का, अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर या फिर इसी के साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपनी राय बता सकते हैं कैसी ये वीडियो आप लोगों को लगी। तो अपने सेहत का ध्यान रखिए, बीमारी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखोगे तो ही चीजें आगे बढ़ पाएंगी, वरना दिक्कत में चीजें पड़ जाएंगी। सारी PDF इकट्ठी मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना अच्छे से जिंदगी को एंजॉय कीजिए, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।